अभया के लिए न्याय की गुहार अब भारत से निकलकर ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं हूं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, जहां डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से अलग अलग जगह काम करने वाले लोग यहां इकट्ठा हुए हैं न्याय की मांग लेकर। और ये सिर्फ लंदन में नहीं और भी बहुत सी सिटीज़ में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप प्लीज़ मुझे अपना नाम बताएं और न्याय आपके लिए किस तरह दिखता है और आगे इसको कैसे ले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये हो रहा है हमें बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति जैन है। मैं यहाँ के पैन यूके जो डॉक्टर की समिति है, मैं उनकी मेन लीड हूँ। ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से हमें कभी कोई आयोजन करना पड़ेगा, पर हर बार जो हम लोग मिलते हैं जुलते हैं और सब जितने सब इवेंट्स करते हैं, ये पहली बार हम लोग ने इस तरह का एक बहुत ही भावुक होके हम लोग आज यहाँ पे सब आए हैं बिग बैन के सामने, हमारे महात्मा गांधी मूर्ति के सामने। हमें न्याय चाहिए, ये न्याय की मांग लेके हम आए हैं। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रिटेन राज की 16 सिटीज़ में हो रहा है, एंड आल्सो इन बेलफास्ट एंड आल्सो इन लॉट ऑफ प्लेसेस इन यूएसए। सो दिस इज़ गोइंग टू गो ग्लोबल। वी विल कंटिन्यू विद आवर डिमांड फॉर जस्टिस एंड फॉर विमेन्स सेफ्टी एंड टू गिव द एग्जेम्पलरी पनिशमेंट फॉर द परपेचुएटर्स हु हैज डन दिस हीनस क्राइम, फॉर दिस awful crime which has destroyed a medical postgraduate training. We are all doctors over here more or less, and we are trained in that same city, and this is very, we have walked those corridors, so it just brings some quite a lot of memories. We have all been there, but the thing is that the most important thing is that we thought that the hospital was the most safe premises. I remember my mom telling me, do not come home in the midnight because it's not safe for you to walk on the ward. मैं वहाँ पढ़ी हूँ, मैं वहीं पे कॉलेज नहीं, मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज से हूँ, मैं उसी मेडिकल कॉलेज नहीं हूँ, पर वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है कलकत्ता की, सो इज़ अ सिमिलर थिंग एक्चुअली। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मत आओ घर, वहाँ पे रह जाओ क्योंकि वहाँ पे सेफ है। हमने कभी सोच ही नहीं सकते कि समथिंग लाइक दिस विल हैपन इनसाइड अ हॉस्पिटल टू अ डॉक्टर ऑन ड्यूटी। सो वेयर इज़ दैट सेफ्टी फॉर वुमेन, वेयर इज़ अ सेफ्टी इन द वर्क स्पेस। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर से आज हुए, पर ये किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। सो वी आर हियर इन डिमांड फॉर workplace space safety. Workspace needs to be safe for us, where we can thrive, we can work, and we can do some good for the others. जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, कई पुरुष भी यहाँ मौजूद हैं, और आप हाथ में आपके हाथ में कैंडल भी है और फूल भी। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी सोचा नहीं था हम लोग को कलकत्ता शहर में ऐसा घटिया घटना घट सकता है। मैं उस कॉलेज से नहीं हूँ, मैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से किया। आप भी डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डिफरेंट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मेरा वाइफ उसी कॉलेज से एनेस्थेसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लास्ट वीक और सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, लाइक वी वॉक देयर, वी नो एवरीथिंग आउट देयर, एंड हाउ कैन इट हैपन इनसाइड इन अ हॉस्पिटल। There is no word to describe this situation. No? जी जी बिल्कुल, शब्द नहीं है लोगों के पास। आप कुछ लोग कविताएं भी यहाँ लिखकर आए हैं। जी, आपकी 14 साल की बेटी ने लिखी है, प्लीज पढ़ें। बेटा एक्चुअली बेटे ने लिखी है, because he wanted to show the perspective from his side how he is feeling. Please बताएं मुझे। So I'll just read out a couple of lines. So it says that the fingers are pointed at my kind. They say you are a man, you don't respect. This is not real. I shrink and shrivel. I'm no different. I'm only a human. I'm a man, my heart too bleeds. I too condemn such inhuman deeds. Let us all join hands for this vigil. Together we'll make this world jiggle. क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस तरह की अगर भाव और भी लोगों में हो तो शायद इस तरह की चीज़ें और इस दुनिया में ना हो, लेकिन इस वक्त हम ये विजुल आगे कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ गई है, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आप मुझे अपने माफ़ कीजिएगा, सॉरी, आप मुझे बताएं कि आप किस भाव से यहाँ खड़ी हैं और क्या चाहती हैं कि हो। मैं क्या इंग्लिश में बात कर सकती? जी जी आप बोलिए। मेरे लिए आई एम शी, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अभया एंड मी। आई कम फ्रॉम अ कॉमन मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स भी मुझे उतना ही प्यार से, उतना ही सपोर्ट के साथ यहाँ तक लाए, बट शी कुडंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर वी आर हियर। शी शुड बी गेटिंग द जस्टिस। वी आर हियर टू से दैट
what she has faced till the last moments on the planet, what has been taken away from her, it is indescribable. It has touched and it shaken the core of every one of us, every decent human being. और वही हॉस्पिटल में सब काम करते हैं, नर्सेस करते हैं, डिफरेंट पीपल, हम सीनियर जूनियर एक साथ काम करते रहे, हमने उतना अपना पर्सनल क्या बोलते हैं परवाह नहीं किया कभी हमारा सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी इतना अनसेफ भी तो नहीं फेस किया कि हमें वहाँ जाके अपने मौत के साथ मिलना होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा. और यही के लिए मुझे लगता है कि ये तो हम भी हो सकते थे, एंड शी इज़ अमंग अस. इस इंसिडेंट ने लोगों के दिल को झकझोर के रख दिया है, और जब तक न्याय नहीं होता, जब तक इसकी तथ्य तक पहुँच के पूरी तरह से न्याय नहीं किया जाता, तब तक लोगों की ना तो दिल में शांति आएगी, ना ही सुकून, बल्कि सुरक्षा का एक दूसरा मुद्दा है कि आज फिर एक बार महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान लगता है. रवीना टंडन, आज तक, लंदन.